न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। तो खबरों की ओर रुख करते हुए बढ़ते हैं शिक्षा विभाग की ओर। यह मामला किशोरी नगर गांव डिगलीपुर से सामने आई हुई है, जहां पर एक एमटीएस कर्मचारी द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाने की सूचना प्राप्त हुई है। चलिए जानते हैं सूचना देने वाले व्यक्ति शुभम सरकार के द्वारा कि एमटीएस कर्मचारी किशोरी नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। शुभम सरकार का यह भी कहना है कि उनके जैसे कई और युवा अंडमान तथा निकोबार द्वीप में कई सारे डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, परंतु उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार है। और दूसरी ओर एमटीएस जॉब 12वीं पास होते हुए उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार होती होगी। शुभम सरकार ने इसकी शिकायत कई अफसरों को ट्वीट के माध्यम से सूचित की है, परंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता वली के साथ। तो नमस्कार, न्यूज़ अब तक में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। तो आज हम आए किशोरी नगर में और यहाँ स्कूल के सामने खड़े हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग और एक खास करके यहाँ का एक सोशल वर्कर है, जो वो खुद भी जो है बीएड करके आए हैं, टीचर का पढ़ाई करके आए हैं, और वो यहाँ आकर देख के स्कूल का कंडीशन देख कर हमें इन्फॉर्म किया कि मैम यहाँ पे जो है स्टाफ तो बहुत कम है। जैसे कि आप टीचर ले लो, टीचर यहाँ बहुत ज़्यादा ही कमी है। हालांकि यहाँ पे 3-4 साल हो गए, प्रिंसिपल भी नहीं है। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी नहीं है। तो इसी वजह से हम आए हैं। यहाँ का स्कूल का कंडीशन भी बहुत ख़राब है। तो अब हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मैटर है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, काफ़ी दिन से हम काफ़ी सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी हमारे यहाँ बड़े लोग आते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं, तो वो हमें यही बताते हैं कि 10,000 पोस्ट है और वो थोड़े दिन में आने वाले हैं, ऐसा बोल बोल कर काफ़ी सारा दिन निकल गया। आपको भी पता ही होगा, आप भी वेट करें, 2-3 साल से जो है परमानेंट कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? मुझे तो लगता है ये 2 साल आने नहीं वाला, जस्ट एमपी इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही आने वाला है शायद पोस्ट वगैरह, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ़र्क पड़ रहा है, ना ही अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को फ़र्क पड़ रहा है, ना ही किसी पॉलिटिशियन को फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने ट्वीट किया है, मैंने सारे लोगों से बात किया, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एजुकेशन का क्या हाल है। किस किस को किया है सर? मैंने काफ़ी सारे बड़े लोगों को ट्वीट किया है, तथा ट्वीट भी किया है, टैग भी किया है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को ट्वीट किया है, मैंने आपका डीईओ डिगलीपुर को ट्वीट किया है, मैंने और कौन था, और एजुकेशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है सबको टैग किया है। देर इज़ नो रिप्लाई, नथिंग। तो क्या कंडीशन है? और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, हमारे राइट टू एजुकेशन में, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है, दस एंश्योरिंग दैट देयर इज नो अर्बन रूरल इम्बैलेंस इन टीचर पोस्टिंग। तो अगर इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रूरल से हैं, हमारे माँ बाप खेत में काम करते हैं, तो हम अच्छे से पढ़ के हम नहीं बन सकते टीचर, हम नहीं बन सकते, ओनली अर्बन एरिया के लोग बन सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या यही है क्या? मुझे वही जानना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं जो सीटेट क्वालिफाइड किया हुआ है, डीएड क्वालिफाइड, नॉट ओनली माय विलेज, मैं बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ मिडिल में सारे सेम कंडीशन है, सीटेट क्वालिफाइड करके कुछ लोग तो साल भी पार हो चुका है, जो आप अच्छे से जानती होगी। तो यही मेरे फ्रेंड्स खुद के हैं। तो यही मुझे जानना है कि जहाँ पे राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखा है, इससे ऊपर क्या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट? सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो मुझे यही जानना है, अंडमान के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो भी है, मुझे इन लोगों से यही जानना है कि क्या गलती किया है हमने पढ़ाई लिखाई करके, क्या गलती किया है, क्यों किया है पढ़ाई लिखाई? पहले ही बोल देना था कि अगर एमटीएस पढ़ाएगा 11-12, कोई ज़रूरत ही नहीं था एमए बीएड सीटेट, और मेरे पास विथ प्रूफ आई हैव एवरीथिंग, अगर किसी को जानना है देखना है मेरे पास आ सकते जी। तो इतना ही कहना चाहूँगा, और मेरा यही सवाल है कि क्यों पढ़ाई किया है? ज़रूरत ही नहीं था इतना खर्च करने का, इतना मेहनत करने का, इतना पढ़ाई करने का। तो मेरा यही सवाल है आपसे जाना सर, इतने सारे यहाँ पे बेरोजगार और आपके साथ पढ़े लिखे जो है, लेकिन आज देखिए पूरे डिगलीपुर नॉर्थन मिडिल से आप अकेला जो है हम लोगों सामने खड़े हैं, तो बाकी को क्या जॉब नहीं चाहिए या उनको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, लोगों को उतना सारा नॉलेज नहीं है, लोग डरते हैं कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबको अपना राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा, और मुझे मेरा यही सवाल है कि कब होगा हमारा पढ़ाई का पूरा बेकार जाएगा, क्योंकि हम विलेज से बिलोंग करते हैं, हमारे माँ बाप खेती में काम करते हैं, यही मुझे जानना है।
तो हमें राइट्स नहीं है, हमें राइट्स टू एजुकेशन नहीं है, हमें बाकी कुछ भी राइट्स नहीं है क्या? मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से यही जानना है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला, आपने अपना भावुकता रखे कि सामने की हमें क्यों कब और कैसे काम मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, इतना पोस्ट खाली है, यही सवाल प्रशासन से बार बार हम कर रहे हैं। जब हम मेडिकल जा रहे हैं तब भी हम यही सवाल उठा रहे हैं, वहाँ भी स्टाफ कम है। जब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, स्टाफ कम है। और विदिन प्रूफ मैं दिखा भी रही हूँ, देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सर्टिफिकेट इनके पास है, फिर भी इनको जॉब नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो है जो मैटर ही नहीं करते MTS वाले, वो क्यों पढ़ा रहे हैं और इनका क्या होगा फिर, ये क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं? तो प्रशासन से यही मांग रखते हैं। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, देखिए हम 2-3 स्कूल कवर कर रहे हैं और दिखा रहे कि उनका हालत क्या है, क्योंकि हम मीडिया है, हमें सच दिखाना चाहिए। लेकिन अब जो है हमें रोक टोक किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, क्यों? क्या जनता को सच दिखाना गलत बात है? हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करते। उसके अलावा अगर हम कंडीशन दिखाना चाहते उसमें से क्यों रोकते हैं, क्यों चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो खामियाँ है वो हम सामने ना लाए, क्या ऐसा है? तो मैं यही सवाल उठाना चाहूँगी कि हमें क्यों रोका जा रहा है? आप भी जानते हो कि हमें रोका गया है अंदर जाने से, क्यों? इनको लगता है कि ये सामने ना आए। स्टेशन अगर चाहती है, वो छुपाना चाहती है, छिपने वाली बात तो है, साफ दिख रहा है सर कि छिपाना देता है। अगर सही होगा, उनका सब कुछ सही है, तो हम मीडिया को अंदर आने से क्यों रोकेगा? हाँ, तो मेरा सवाल यही है, आप अगर हमें रोक रहे हो, मैंने आप किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, आप हमें मीडिया को क्यों रोक रहे हो आप अगर सही हो तो? यही मेरा सवाल है। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन देखे और हर बेरोजगार जो बच्चे ऐसे पढ़े लिखे हैं वो सामने आए और अपना बात रखे। सिर्फ हम बोले तो कुछ नहीं होगा, आपके लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा। यही मेरा सबसे निवेदन है, धन्यवाद आप जो सामने आए और बोले। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।